हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BK2 साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण करना किसका, प्लांट यानी पेड़ पौधे और जानवरों का। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम अपने जानवरों को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, यानी कि जानवर और पेड़ पौधों को। तो दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट नंबर 1 हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको एकदम अच्छे से समझाया है कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल होता क्या है। ठीक है, कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को कम होने का कारण, ठीक है, जंगल क्यों कम हो रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट इसका भी पूरा, ड्रॉट्स क्या होती है ये पूरा एकदम अच्छे से बताया है, डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि हम वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बायोस्फेयर रिजर्व क्या होते हैं, पूरा डिटेल में एकदम अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है हमने पार्ट नंबर 1 में। फ्लोरा और फना क्या होती है पूरा एकदम अच्छे से समझाया हुआ है दोस्तों। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी, कौन क्या क्या है, ठीक है, आगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है पूरा अच्छे से पार्ट नंबर 2 में हमने कवर किया है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 और 2 इसके पहले ही आ चुके हैं, ये जो हम लेकर आए हैं ये पार्ट नंबर 3 है दोस्तों। तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो हमारा रहेगा नेशनल पार्क। क्या रहेगा दोस्तों? नेशनल पार्क जो हमारा टॉपिक है आज का वो रहेगा। ठीक है, तो समझते हैं दोस्तों स्टार्टिंग से बिल्कुल एकदम लाइन बाय लाइन कि हमारा नेशनल पार्क क्या होते हैं। नेशनल यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ठीक है राष्ट्रीय उद्यान। आगे ऑन द रोड साइड, आपने रोड साइड देखा होगा, देयर वाज एनदर ब्रॉड ऑन विच द वाज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क। तो आप देखोगे रोड साइड में कि वहाँ पे लिखा रहता है कौन सा, सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रंस ऑन, जो बच्चे गए थे पहले वो, जो ठीक है, चिल्ड्रंस आर नाउ एगर टू गो देयर, और बच्चे वहाँ पर जाने के लिए बड़े ही उत्साहित से। माधव जी टेल देम, माधव जी ने उन्हें बताया दैट दिस रिजर्व आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट, यानी कि ये जो रिजर्व हैं नेशनल पार्क हैं ये जो काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, और ये रिजर्व हुए हैं, एंड लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट, ठीक है, काफ़ी दूर तक फैले हैं, होल सेट ऑफ इकोसिस्टम, इसमें पूरे इकोसिस्टम के सभी सेट्स हैं, दे प्रिजर्व फ्लोरा एंड फना, यहाँ पे यानी कि फ्लोरा और फना यानी कि जानवर पेड़ पौधे दो और इस क्षेत्र को अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है। लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक पेड़ हैं, ऐतिहासिक प्लेसेस हैं, इन्हें भी हमने अच्छे से सजोकर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया, एक एरिया में सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया, यानी कि जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो बच्चों हमारा फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व है भारत का, ठीक है, द फाइनेस्ट इंडियन टीक फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ के जो भारत के टीक नाम के जो साल के पेड़ होते हैं वो इसी जंगल में पाए जाते हैं। देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया, लगभग 100 जो है हमारे भारत में 100 नेशनल पार्क हैं, लगभग 100 जो हैं वो नेशनल पार्क हमारे इंडिया में हैं। आगे समझते हैं रॉक सेल्टर, रॉक्स यानी कि चट्टाने, सेल्टर्स यानी घर आर आल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क, यानी कि रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, कुछ जानवरों के घर हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। दीज आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन द जंगल, यानी कि इसमें बहुत सारे लोगों के घर भी हैं, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है जो हमारे पुराने समय में ह्यूमन लाइफ होती थी वो कैसी थी। ठीक है, दीज गिव अस एन आइडिया ऑफ लाइफ प्रिमिटिव पीपल्स, यानी कि ये हमें एक लोगों की लाइफ जीने के लिए एक आइडिया देते हैं कि प्रिमिटिव पीपल्स जो थे वो कैसे जीते थे। रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दीज सेल्टर्स, यानी कि उन पे रॉक पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। ए टोटल 55 रॉक सेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाई इन पंचमढ़ी बायोस्फेयर रिजर्व, लगभग 55 रॉक जो सेल्टर थे, पत्थरों के जो चट्टानों में बने हुए घर थे वो पाए गए। ठीक है, फिगर ऑफ एनिमल एंड मैन फाइटिंग हंटिंग डांसिंग, ठीक है, फिगर ऑफ एनिमल्स जो है यहाँ पे बिल्कुल एनिमल की फाइटिंग है, हंटिंग है, डांसिंग है, एंड प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आर डिपिक्टेड दोस पेंटिंग, ठीक है, मतलब उन पे जानवरों का शिकार करते हुए, लोगों को डांस करते हुए, लोगों को म्यूजिक
प्ले करते हुए बिल्कुल उनकी पिक्चर्स बनी हुई हैं, जो उसमें रॉक शेल्टर्स हैं, पत्थर से बने हुए जो घर हैं उन पर। इन दिस मैनी ट्राइब्स स्टिल इन लिव एरिया, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब प्रजाति के लोग भी रहते हैं। आगे समझिए, एज चिल्ड्रन मूव अहेड, जैसे ही बच्चे वहाँ गए, दे सी ए ब्रॉड विद बोर्ड विद सतपुरा टाइगर रिजर्व, तो उन्होंने एक बोर्ड देखा जो कि सतपुरा टाइगर रिजर्व पर लगा हुआ था, ठीक है, उस पर लिखा होता सतपुरा टाइगर रिजर्व ऑन इट, यानी कि उस पर लिखा हुआ था सतपुरा टाइगर रिजर्व। माधव जी एक्सप्लेन दैट, माधव जी ने जब उन्हें समझाया प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन कंट्री, यानी कि ये टाइगरों की सुरक्षा के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी सरकार ने, ठीक है, जिससे हम टाइगर जो चीते वगैरह हैं उन्हें सुरक्षित कर सकें। द प्रोजेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज इंश्योर टू द सर्वाइवल ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन कंट्री, ठीक है, इसको इसलिए लॉन्च किया गया था कि जो हमारे टाइगर्स हैं उनकी प्रजाति यानी जनसंख्या लगातार कम होती जा रही थी, जिससे इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन किया जा सकते सके हमारे देश में। चलिए दोस्तों, अब आगे समझते हैं। आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, आई होप आई कैन सी ए टाइगर, ठीक है, यानी कि उस जगह पर टाइगर भी पाए जाते थे। Figure 7.4 आप देख रहे होंगे, Figure 7.4, जैसे ये टाइगर हमें दिख रहा है Figure 7.4 में। आगे देखिए, इज वन ऑफ मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग, यानी कि जैसे हमारे टाइगर की तरह और भी कई सारी प्रजातियां हैं जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, यानी कि इनकी प्रजाति कम होती जा रही है, जनसंख्या कम हो जाती होती जा रही है। फ्रॉम ओवर फॉरेस्ट, हमारे जंगलों से, बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट सिग्निफिकेंस इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज बीन सीन हेयर, यानी कि लेकिन सतपुरा टाइगर रिजर्व एक ऐसा है जहाँ पर टाइगरों की बढ़ती संख्या को देखा गया है। ओके दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे टाइगरों को रिजर्व करा के रखा है, प्रोटेक्टेड करके रखा है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय ऐसा था, एनिमल लाइक लॉयल एलिफेंट वाइल्ड, ठीक है, बफेलो वाइल्ड बफेलो, जिससे कि हम Figure 5.7.5 में नीचे देख लेंगे, आर बारहसिंगा Figure 7.6 वर आल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क, यानी कि यहाँ पर बफेलोस, टाइगर्स, बारहसिंगा ये भी सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जैसे ये बफेलोस हैं, ठीक है दोस्तों, और ये क्या है हमारे बारहसिंगा हैं, ये सभी सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, एनिमल हुज नंबर आर डिमिनिशिंग ए लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटेंशन नोन एज द एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि वो जानवर जिनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है, यानी कि जो खत्म होने की कगार पर हैं, उन्हें हम इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। एनिमल हुज नंबर आर डिमिनिशिंग, यानी कि जानवर वो जिनके संख्या कम हो रही है, लेवल एट ए माइट फेस एक्सिस्टिंग, यानी कि जिन्हें खत्म होने का खतरा है, आर नोन एज इंडेंजर्ड स्पीसीज, उन प्रजातियों को हम इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। भूजो इज रिमेंड डेट टू डायनासोर, सर भूजो को याद आया कि जो डायनासोर नाम की प्रजाति थी वो पहले हमारे इस पृथ्वी पर थी, लेकिन अब वो गायब हो गई है, तो इसलिए हम इन्हें सुरक्षित करते हैं, करना चाहते हैं, ताकि ये भी कहीं गायब ना हो जाए। विच वी कैम एक्सटिंक्ट ए लॉन्ग टाइम अगो, जो कि आज से बहुत समय पहले ही गायब हो गए हैं। सर्वाइवल ऑफ सम सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि कुछ जानवरों का सर्वाइव करना यानी जीवित रहना काफी कठिन हो गया है, क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब कर दिया लोगों ने। प्रोफेसर अहमद टेल देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट, यानी कि उन्होंने समझाया कि बड़े तरीके से लाइन बाय लाइन कि पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट करो एंड एनिमल्स को भी सुरक्षित करो। स्ट्रिक्ट रूल आर इम्पोज्ड ऑल नेशनल पार्क, इसलिए हर एक नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान के आगे स्ट्रिक्ट रूल नियम बने हुए हैं, जिससे कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर बिल्कुल
सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल आर कलेक्टेड ऑफ फायरवुड, मैकेनिकल प्लांट एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। यानी कि यहाँ पे बिल्कुल हर चीज़ के लिए अलाउशन नहीं है, यानी परमिशन नहीं है। ना तो आप यहाँ पे ह्यूमन की कोई एक्टिविटी कर सकते हो, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है। गाय भैंस जानवरों को चराना अलाउज नहीं है, पोचिंग अलाउज नहीं है, हंटिंग यानी कि जानवरों का शिकार करना, जानवरों को पकड़ना, कलेक्शन ऑफ फायरवुड लकड़ियों को इकट्ठा करना, मेडिसिनल प्लांट, ये सब यहाँ पर अलाउड नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, उन्होंने समझाया बच्चों को। माधव जी टेल पहेली डेट स्मॉल एनिमल आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सिस्टिंग देन बिगर। ठीक है, यानी कि जो छोटे जानवर हैं उन्हें काफ़ी खतरा रहता है बड़े जानवरों के कंपैरिजन में। ठीक है, एनिमल्स, क्योंकि उन्हें छोटे जानवर मार देते हैं। एट ए टाइम एग्जिस्ट देन द बिगर एनिमल। ठीक है, छोटे जानवर जल्दी हो जाते हैं। एट अ टाइम, इस टाइम पे वी किल स्नैक, जैसे कि हम स्नैक को मारते हैं, फ्रॉग, लिजार्ड, बैट्स एंड आउल रस्टलेसली विदाउट रिलीजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। यानी कि उनकी, हमारे इकोसिस्टम यानी वातावरण में उनकी इम्पोर्टेंस को बिना समझे ही उन्हें हम मार देते हैं। बाई किलिंग डैम वी आर हार्मिंग ओवर सेल्फ, यानी कि उन्हें मारने से हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, ओवर सेल्फ को ही। दे माइट बी स्मॉल इन साइज, वो बेशक छोटे साइज में है, बट देयर रोल इन द इको सिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर। लेकिन उनका आकार बेशक छोटा हो, लेकिन हम अपने इको सिस्टम में उनके रोल को इग्नोर नहीं कर सकते। आगे देखिए, दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चैन, यानी कि वो भी हमारी फूड चैन का एक पार्ट यानी कि एक हिस्सा है। एंड फूड वेव्स, और फूड वेव की, अबाउट विच यू लर्न इन क्लास सेवन्थ, जिसके बारे में आपने क्लास सेवन्थ में पढ़ा था। एंड इको सिस्टम इज मेड ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि जो हमारा इको सिस्टम है वो सभी पेड़ पौधे और सभी जानवरों से बना हुआ है, यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी। इन एन एरिया अलोन विद नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज क्लाइमेट, सोइल, रिवर्स, डेल्टास एक्सेट्रा, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग प्लांट एनिमल सभी चीज़ों से हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब है रेड डाटा बुक। अब समझते हैं बच्चों, रेड डाटा बुक आखिर है क्या, इसका क्या रोल होता है, इसे, इसका नाम रेड डाटा बुक क्यों रखा गया। रेड डाटा बुक, प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन, यानी कि जो प्रोफेसर अहमद हैं उन्होंने बच्चों को रेड डाटा बुक के बारे में एक्सप्लेन किया, यानी कि समझाया। ही टेल, उन्होंने कहा उनसे, बच्चों से, देम दैट रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक, यानी कि वो एक स्रोत बुक है, विच कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स, यानी कि उसमें जितने भी प्रजातियां खतरे में हैं, ठीक है, जो ख़त्म होने के उस पर हैं, उनका उस सभी में रिकॉर्ड रखा गया है। एंड प्लांट, और उन सभी प्लांट यानी कि उन सभी पेड़ पौधे और जानवरों का रिकॉर्ड रखा गया है जो कि इंडेंजर्ड एनिमल है, यानी कि जिनको ख़त्म होने का खतरा है, यानी कि जिनकी संख्या काफ़ी कम है। रेड डाटा बुक इज मेंशन्ड इंटरनेशनली, यानी कि रेड डाटा बुक को इंटरनेशनली मेंशन किया जाता है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंडिया इज आल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक, यानी कि हमारा भारत जो है वो भी रेड डाटा बुक को मेंटेन करता है फॉर प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया, यानी कि जो भी जानवर और पेड़ पौधे भारत में पाए जाते हैं, या फिर जो कम हो रहे हैं, या फिर जिनकी जनसंख्या कम हो गई है, या जो खतरे में हैं, उन सबका जो रिकॉर्ड है वो रेड डाटा बुक को देता है हमारा भारत, जो भी इंडियन पेड़ है। अब नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन समझ लेते हैं दोस्तों, माइग्रेशन क्या है। सॉरी, माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या है, द एक्सकर्जन पार्टी देन एंटर डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। दे सिट नियर द तवा, ठीक है, वो तवा के पास बैठे थे सभी लोग। आगे देखिए, तवा रिजर्वियर, रिजर्वर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, यानी कि तवा रिजर्वर के पास वो कुछ समय के लिए आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। पहली, ऑब्जर्व सम ऑफ वर्ड नियर द रिवर, तो वो
पहली बहुत सारे वर्ड्स को नदी के पास देखते हैं। माधव जी टेल चिल्ड्रन दैट, माधव जी बच्चों को बताते हैं, दीज आर माइग्रेटरी वर्ड, यानी कि ये माइग्रेटरी वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स आर हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि जो वह जानवर है जो कि हमारे संसार के दूसरे पार्ट से आए हुए हैं। माइग्रेटरी वर्ड फ्लाई फॉर अवे एरिया एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, यानी कि माइग्रेटरी वर्ड्स जो होते हैं जो कि क्लाइमेट के चेंज होने से वहाँ की जगह बदल देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर में अभी ज़्यादा ठंड हो रही है तो वो ऐसे एरिया में पहुँच जाएंगे माइग्रेटरी वर्ड्स जहाँ पे ठंड कम होगी, ठीक है, और जब ज़्यादा गर्मी हो जाएगी इधर तो ऐसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ पे गर्मी कम होगी, यानी कि वो एक अपना स्थान बदलते रहते हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग, ठीक है, वो उड़ते हैं अंडे देते हैं, एज वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकमिंग कोल्ड एंड, ठीक है, वो उड़ जाते हैं जब, ठीक है, बच्चे देने के लिए, फॉर वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट में बिकम्स वेरी कोल्ड, जब काफ़ी कोल्ड हो जाता है, इन हॉस्पिटेबल में, बर्ड हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड, यानी कि वे पक्षी जो काफ़ी लंबा रास्ता तय करते हैं अपना जगह बदलने के लिए वहाँ का मौसम बदलने पर। पहली लर्न इन क्लास 7, जिसके बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ा था। अब नेक्स्ट है बच्चों, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या है, ज़रा समझते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर यानी कि पेपर को ही, पेपर से ही पेपर को दोबारा बनाना, उसका वेस्टेज नहीं करना। प्रोफेसर अहमद ड्रॉ अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को एक और कारण बताया कि जिसके कारण हमारा डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी कि जंगल कम होता है, ठीक है, पेड़ पौधे काटे जाते हैं, किसके कारण, पेपर के बारे में, क्योंकि पेपर भी पेड़ पौधे से ही तैयार होते हैं कि बनते हैं। ही टेल देम दैट इन इट टेक 70 फुल ग्राउंड ट्रीज मेक 1 टन ऑफ पेपर, यानी कि लगभग 17 बड़े पेड़ों से 1 टन पेपर बनता है। देयर फोर वी शुड सेव पेपर, इसलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद आल्सो टेल दैट पेपर कैन रिसाइकल 5-7 टाइम्स फॉर यूज, यानी कि प्रोफेसर अहमद ने ये भी बताया कि हम पेपर को बार बार यूज कर सकते हैं, लगभग 7 बार उसे रिसाइकल कर सकते हैं। इफ ईच स्टूडेंट सेव एट ए लीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन ए डे, लगभग हर बच्चा 1 sheet ऑफ पेपर, पेपर की 1 sheet एक दिन में बचाएगा, वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन ए ईयर, तो हम एक साल में कई सारे पेड़ों को बचा सकते हैं। आगे देखिए, बी कैन सेव मैनी ट्री इन ए ईयर, बी शुड सेव रेस्क्यूज रीयूज पेपर एंड रिसाइकल इट, यानी कि हमें पेपर को सेव करना चाहिए, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसे बार बार यूज करना चाहिए और उसे फिर रिसाइकल करना चाहिए। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्री बट आल्सो सेव एनर्जी ऑफ वाटर्स नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, हम इससे केवल पेपर को ही नहीं बचा रहे, ट्रीज को ही नहीं बचा रहे, बल्कि उस एनर्जी को भी, वाटर एनर्जी को बचा रहे हैं जो कि पेपर बनाने में यूज होती है। मोर एवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज फॉर मेकिंग विल आल्सो रिड्यूस, यानी कि वो केमिकल्स का नुकसान भी बता रहे हैं जिससे कि पेपर बनाते समय काफ़ी क्या होता है, केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। अब बात आती है रिफॉरेस्टेशन, यानी कि रिफॉरेस्टेशन क्या है, ज़रा समझ लेते हैं। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट, उन्होंने सजेस्ट किया आंसर डिफॉरेस्टेशन का, कि डिफॉरेस्टेशन का क्या आंसर है, इज रिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन की जगह हम रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, यानी कि पेड़ों को उखाड़ने की जगह पर हमें और पेड़ लगाने चाहिए। डिफॉरेस्टेशन इज द स्टॉकिंग रेस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, यानी कि रिफॉरेस्टेशन क्या है, बिल्कुल अपोज है, जो लोग हमारे डेजर्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, यानी कि हम फॉरेस्ट में नए पेड़ लगा सकते हैं। एंड प्लांटेड ट्रीज शुड बी जनरली वी ऑफ द सेम स्पीसीज बर फाउंड इन द फॉरेस्ट, यानी कि सेम स्पीसीज के पेड़ हमें दोबारा लगा देने चाहिए जहाँ भी पेड़ों का नुकसान हो जाए, जहाँ से उखाड़ लिए जाते हैं, ठीक है, उसी प्रजाति के। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्री एज वी कट, यानी कि जितने हम पेड़ काटते हैं उससे भी अधिक पेड़ हमें लगाने चाहिए, इससे क्या होगा, रिफॉरेस्टेशन होगा, यानी कि जंगल दोबारा से हरा भरा रहेगा, पेड़ पौधे होते रहेंगे। कैन टेक प्लेस नेचुरली आल्सो, रिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, वहाँ का वातावरण फिर से नेचुरल वातावरण सही हो जाएगा। इफ द डिस्ट्रॉय
डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, यानी कि हम डिफॉरेस्टेड एरिया को अनडिस्टर्ब रखते हैं, उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इट री स्टेब्लिश इट सेल्फ, यानी कि अगर वहाँ के एरिया से पेड़ निकालने के बाद वहाँ पे एक पेड़ लगा देते हैं और उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो वो दोबारा से रिस्टेब्लिश हो जाएगा, यानी कि दोबारा तैयार हो जाएगा। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन, प्राकृतिक रिफॉरेस्टेशन से देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग, यानी नेचुरल रिफॉरेस्टेशन करने में ह्यूमन बींग का कोई रोल नहीं है। यानी कि जैसे हमने किसी जंगल से पेड़ काट लिए, ठीक है, और उसे वहाँ की ज़मीन को किसी चीज़ के लिए उपयोग नहीं किया, यानी कि किसी फैक्ट्री लगाने के लिए या फिर रोड बनाने के लिए या फिर मकान बनाने के लिए, तो वहाँ पे और नेचुरली बहुत सारे पेड़ उगाएंगे, जो कि जैसा जंगल पहले हरा भरा था वैसा फिर से तैयार हो जाएगा, ठीक है, यानी कि नेचर अपने आप को खुद से तैयार कर लेगा। बी हैव ऑलरेडी कॉज ट्रिमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट, यानी कि हम पहले ही अपने जंगलों को बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इफ बी हैव टू, अगर हम ऐसा और भी करेंगे, रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ, यानी कि अगर हमें अपने हरियाली को हरा भरा रखना है। बी फॉर्चून जनरेशन, अपनी जनरेशन को, सही आगने वाली जनरेशन को नुकसान नहीं पहुंचाना है। प्लांटेशन ऑफ मोर एंड मोर ट्री ओनली ऑप्शन, यानी कि अगर हमें अपनी आने वाली जनरेशन और आने वाले समय को सुरक्षित रखना है, तो इसका एक ही उपाय है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम, प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया, दैट इन इंडिया, भारत में वी हैव फॉरेस्ट, हमारे पास बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, कंजर्वेशन एक्ट है, हमारे भारत में एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। दिस एक्ट इज एम टू प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, इसका इस एक्ट का रोल है कि हमें अपने फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना और कंजर्व करना, नेचुरल फॉरेस्ट को, एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ पीपल्स लिविंग इन नियर द फॉरेस्ट, और उन बेसिक जो फॉरेस्ट के आसपास लोग रहते हैं उनकी जो बेसिक नीड है उसे पूरा करें, जिससे कि वो हमारे जंगलों को यानी कि फॉरेस्ट को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क द चिल्ड्रन, कुछ आराम करने के बाद माधव जी ने बच्चों से कहा, टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज नॉट एडविजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट, यानी कि अब वहाँ पे कुछ आराम करने के बाद माधव जी कहते हैं अब हम यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि जब सूरज को छिपने के बाद हमें जंगल में नहीं रुकना चाहिए। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी, प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने माधव जी को धन्यवाद दिया फॉर गाइडिंग, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए, देम एंड थ्रू दिस एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस, यानी कि इन सारी चीज़ों बहुत एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस देने के लिए उनका धन्यवाद किया दोस्तों। तो आपका भी धन्यवाद, क्योंकि अब ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम आपके लेकर के आएंगे अगला चैप्टर, इसका नेक्स्ट चैप्टर 8। आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।